राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन आज से शुरू हो गया है। 26 विभिन्न विषयों के कुल 6000 पदों के लिए ये परीक्षा 21 अक्टूबर तक होगी। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर व श्रीगंगानगर जिला मुख्यालयों पर आयोजन हो रहा है। 11 अक्टूबर को ग्रुप ए में सम्मिलित विषयों के सभी अभ्यर्थियों की जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज की परीक्षा प्रातः पारी में 566 केंद्रों पर हो रही है। परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स को चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। दोपहर की पारी में एग्रीकल्चर की परीक्षा 14 केंद्रों एवं गणित विषय की परीक्षा 79 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए ग्रुप ए में 1,80,000, ग्रुप बी व सी में 2,00,000, ग्रुप डी में 2,000 तथा ग्रुप ई में 5,000 से अधिक कुल लगभग 6,19,000 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। 12 अक्टूबर को प्रातः पारी में 87 केंद्रों पर बायोलॉजी, 10 केंद्रों पर म्यूजिक एंड दोपहर की पारी में 88 केंद्रों पर कॉमर्स एवं 44 केंद्रों पर फिजिक्स विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 14 अक्टूबर को प्रातः पारी में 170 केंद्रों पर संस्कृत एवं दोपहर की पारी में 140 केंद्रों पर अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान खाली ओएमआर शीट छोड़ने वाले अभ्यर्थियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर वीक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन से परीक्षार्थियों ने ओएमआर शीट पूरी खाली छोड़ी है। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो वीक्षक ओएमआर शीट खाली छोड़ने का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेंगे। केंद्राधीक्षक ऐसे अभ्यर्थियों की सूची पृथक से तैयार कर आयोग को प्रेषित करेंगे।